सेंट्रल न्यूज कॉलेज के शिक्षक और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बीच दो दिन पूर्व हुए नोकझोंक का मामला अब तुल पकड़ने लगा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दोषी सदस्य पर कार्रवाई की मांग को लेकर शुक्रवार से सेंट्रल न्यूज कॉलेज के शिक्षकों और कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल आरंभ कर दिया है। शुक्रवार को सेंट्रल न्यूज कॉलेज के सभी शिक्षक और सभी कर्मचारी कॉलेज परिसर में एकत्र हुए, जहाँ उन्होंने एक बैठक कर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय लिया। आपको बताते चलें कि 18 जुलाई को सेंट्रल न्यूज कॉलेज में छात्रों के प्रवेश के नाम पर मनमानी एडमिशन फीस वसूलने सहित कई अन्य मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य सेंट्रल न्यूज कॉलेज के प्रचारकों मांग संबंधित ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। ज्ञापन सौंपे जाने के दौरान कॉलेज के शिक्षक और परिषद के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। बताते चलें कि इस विवाद के बाद से ही कॉलेज परिसर में पुलिस की एक टीम कॉलेज परिसर में सुरक्षा के मद्देनजर तैनात है। सेंट्रल न्यूज कॉलेज के शिक्षक संघ के कार्यकारी मंत्री रविंद्र कुमार ने गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कहा कि पिछले दिनों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों द्वारा कॉलेज के शिक्षक और कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिससे कॉलेज के शिक्षक और कर्मचारी काफी आहत हैं। जब तक परिषद के दोषी सदस्य अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं या पुलिस प्रशासन कॉलेज को समुचित सुरक्षा व्यवस्था तय नहीं करती है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस महीने से आखिरी प्रैक्टिकल खत्म हुआ कि नहीं, जिनके सही लगा रहा है, पेपर में लगा रहा है, पैसा ले रहे हैं किसी के प्रति लड़ाई देखिए ये हड़ताल जो है बेसिकली जो है 18 तारीख को जो है महाविद्यालय में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा वो कुछ उनकी मांगे थे, उन मांगों को लेकर के प्रिंसिपल साहब के खिलाफ इन लोगों ने एजिटेशन करने का काम किया था। और एजिटेशन करते हुए जो है ये लोग जो है चैम्बर में चले गए। हम लोगों ने 5-7 लोगों की अनुमति दिया था कि आप जाए नियंता मंडल के सदस्यों के द्वारा। फिर बाद में जब ये सारे लोग चले गए तो हम लोग भी गए कि भाई ऐसा ना हो कि जो है मारपीट ना हो जाए। तो बहरहाल वहाँ पर माहौल जो है थोड़ा सा जो है गर्मा गर्म रहा, वो जो है वो हाथापाई जैसे स्थिति उत्पन्न हो रही थी, हो भी गई थी, उसमें कुछ एक इस तरह की जो है अशोभनीय बातें भी हो रही थी। बहरहाल उस संदर्भ में हम लोगों ने यहाँ पे जो है अभी जो है शिक्षक संघ के सदस्यों ने विचार विमर्श करने का काम किया है। और अगर प्रशासन हम शिक्षकों के लिए जो है सिक्योरिटी की गारंटी देता है और जो है वो जो है जो एबीवीपी के जो है जो पदाधिकारी हैं जो है हम लोगों को कहते हैं कि मतलब सम्मान शिक्षक हैं, हमें सम्मान चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर वो हमारे सम्मान की बात करते हैं, गारंटी देते हैं, तो हम लोग इस तरह के कोई नहीं है। हम लोग समाज के जोड़ने वाले हैं, सृजन करता है, हम क्यों इस तरह से काम करें। गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं। गिरफ्तारी की बात तो हमारे लोगों ने किया जरूर है। कारण यह था क्योंकि जो है दो शिक्षक जो है हमारे जो है असॉल्ट हुए थे, लेकिन जो है अगर वो गिरफ्तारी की तो मांग है, ठीक है ना। तो अब जो दो शिक्षक जो है हमारे असॉल्ट है, लेकिन अब वो अगर वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसमें कहीं कोई बात नहीं है। तो अगला कदम अब आप क्या हो, कब तक अभी हड़ताल आप लोग का जारी रहेगा? अभी अगले कदम के बारे में अभी तो हम लोगों ने बात किया है, जो है वो अभी मेरी कार्यकारिणी ने अभी तो कल हमारे प्रिंसिपल साहब भी चूँकि बाहर हैं, वो आ जाएंगे तो फिर उस पर कुछ हम बता पाएंगे, क्योंकि
क्योंकि जो है प्रशासन के साथ और जो है अन्य लोगों के साथ में बातचीत हो रही है और सकारात्मक परिणाम आ जाएंगे, वो कहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सकारात्मक परिणाम आ जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये माना जाए कल से आप लोग एडमिशन कर रहे हैं और फिर सब कुछ शुरू करेंगे शिक्षण कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ कि प्रिंसिपल साहब आ जाएंगे कल, तो उसके बाद सारी चीज़ें अपनी तरह से जो अपने आप को जो है निर्दोषित कर, मैं भी तो कर रहा हूँ, मैं भी तो निर्दोष हूँ, आप भी तो कहते हैं निर्दोष हैं, आप भी कहीं कहते हो कि निर्दोष हैं, कई बार आप लोग भी तो फॉल्स रिपोर्टिंग करते हैं, जो हम जो है रिपोर्ट जो दे रहे हैं, जो हम सूचना दे रहे हैं सूचना नहीं निकले, कुछ और सूचना निकल जाती है, तो खैर ठीक है, वो उनका अपना अपना पर्सनल व्यूज़ है, ठीक है ना, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है।